अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। सारी चीज़ें सही चल रही थी, इट्स जस्ट दैट कि हमारा बेबी जो है उसकी हार्ट बीट बहुत लो हो गई है, जिसकी वजह से हम नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए आए थे, मगर डॉक्टर्स ने जो है वो ऑपरेशन बोल दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ैनब फातिमा के न्यू बेबी बोर्न के मुताबिक ताज़ा खबर सामने आ चुकी है, जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अफसोसनाक खबर है। जैसे कि आपको पता ही होगा, ज़ैनब का बेबी पैदा हुआ है, तब से सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। जो भी इसका दिल करता है उसका शोहर पोस्ट कर देता है, उसका शोहर यूट्यूब पर, टिकटॉक पर और कई सोशल ऐप पर पोस्ट कर देता है। अभी लेटेस्ट अपडेट आई है जो आपसे शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि ज़ैनब फातिमा के चाहने वाले बहुत हैं। ज़ैनब फातिमा की माइनर सर्जरी की गई है, जिससे उनका नया बेबी दुनिया में आया है और उनको सांस की तकलीफ के बायस वेंटिलेटर पर डाला गया है, मगर अब वो सेहतियाब है। जब बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं होता तो उनका माइनर ऑपरेशन किया जाता है, ये कोई डरने वाली बात नहीं है। सोशल मीडिया पर उनके बेबी के हवाले से गलत खबर दी जा रही है। उसके न्यू बोर्न बेबी की तबीयत ठीक है और उसके बच्चे को कुछ नहीं हुआ। उसके शोहर ने ऐसा माहौल बना दिया कि सोशल मीडिया ने उसको कैश करना शुरू कर दिया।